वाटर दो तरह का हो सकता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जो उसमें अगर आप पानी डाल उसमें अगर सोप डालो तो झाग नहीं बनती, लैथर नहीं बनती। और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें अगर आप सोप डालो तो लैथर बन जाती लेथर। है, झाग बन जाती है। तो हार्डनेस क्यों होती है? हार्डनेस कार्बन और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स, कंपाउंड्स नहीं, फिर वही सॉल्ट, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और सल्फेट्स, क्लोराइड्स, क्लोराइड। तीन ही याद रखने, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से हार्डनेस होती है वाटर में। ओके, हाँ जी। फिर हार्डनेस दो तरह की होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी होती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से, बाइकार्बोनेट्स, परमानेंट होती है सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह क्लोराइड। से। उसको टेम्परेरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज बॉयल करने से वो चली जाती है, खत्म तो परमानेंट कभी भी नहीं आती। नहीं, मतलब बॉइलिंग से नहीं जाती, जाती तो है। अच्छा। हाँ डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ता है, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस है, 11th क्लास में है, तो उसमें परमानेंट भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ पर ऐसा नहीं कि घर में बॉयल कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। सॉफ्ट वाटर वो होता है, हाँ ये तो हो गया। फिर सोप क्या हाँ होता जी। है? सोप की जो तो डेफिनेशन है, सो दैट इज सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन्स कार्बोक्सिलिक ऑफ एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लंबा, जिसकी चेन लंबी हो, जैसे ये C17H35COO-Na। अब ये सॉल्ट है किसका? स्टीरिक एसिड का। ये स्टीरिक एसिड है, इसका सॉल्ट है, इसका स्टीरिक एसिड से अगर एच हटा दो तो बन जाएगा स्टीरेट आयन, है ना। हाँ जी। स्टीरेट आयन का सॉल्ट, मतलब स्टीरेट आयन तो खैर सॉल्ट ही है, Na पॉजिटिव, तो सोडियम स्टीरेट हो गया। दिस इज सोप मॉलिक्यूल। कौन सा? ये स्टीरेट आयन। बेसिकली जो सोप का एक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टीरेट आयन। एन आयन ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। Na पॉजिटिव तो अपना अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। अब हमने कल देखा था ये जो स्टीरेट आयन है, अच्छा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं जी। है कि सिर्फ यही है, और भी हो सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है स्टीरेट आयन उसका। तो जैसे ये इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है C17, ये जो ये लॉन्ग पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये वाला CH3 CH2 CH2 ऐसे कर करके CO- Na प्लस होगा, और इसको मैंने थोड़ा स्क्वीज करके ऐसे रिप्रेजेंट किया है। नाउ ये जो मॉलिक्यूल है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सोप के मॉलिक्यूल को। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट पे तो चार्ज है, CO- वाला पार्ट, ये वाला। दूसरे पार्ट पे चार्ज नहीं है, जिस पे नहीं चार्ज है उसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट, जिस पे चार्ज नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। और हमने बात कर, ये देखो नॉन पोलर चेन है, पोलर एंड है। तो हमने देखा था कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, उसमें पोलैरिटी होती है चार्जेस की। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें ना ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो और ये पोलर सॉल्वेंट है, तो ये हमने एक टर्म देखी है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो जो पोलर पार्ट है वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा। सो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर पार्ट को ही डिजॉल्व करेगा। सो इसके लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है। नाउ ये पोलर पार्ट है इसका, तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, पानी में ये डिजॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब पसंद करता है, हाइड्रोफोबिक। ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता बिकॉज ये नॉन पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट में नहीं जाएगा। सो दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब क्या होगा ना, जब आप एक वाटर का टैंक लोगे, उसमें वाटर रखा आपने, एक सोप का पोलर मॉलिक्यूल डाला, तो सोप के मॉलिक्यूल के दो पार्ट थे, ऊपर वाला था नॉन हाइड्रोफोबिक, तो वो तो पानी में नहीं जाएगा, जो हाइड्रोफिलिक था वो चला जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा मतलब। पानी में अंदर चला जाएगा, है ना। इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन होगी अगर आपने सोप का एक मॉलिक्यूल डाला, करेक्ट। हाँ जी।
मान लो 8 डाल दिया, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, 6 डाल दिए, इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन होगी ना, हाँ जी, करेक्ट? यहां तक बात क्लियर है ना? हाँ जी, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, ये हमने कल की बात करी है सिर्फ। तो हाँ जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं सरफेस के ऊपर सोप के मॉलिक्यूल्स डालता जा रहा हूं, क्या वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा, कभी नीचे अंदर भी जाएगा पानी के? कॉमन सेंस से बताओ। ऐसे तो चला जाएगा ज्यादा प्रेशर की अगर वजह तुम से। ऊपर से डालते ही रहोगे तो भाई अंदर जाएगा, कहाँ हाँ जाएगा, जी, भीड़ हो चलो। जाएगी वहां पे, है ना? हाँ जी, तो एक उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा सोप के मॉलिक्यूल्स डाले तो वो अंदर चले जाएंगे पानी के, ये बात क्लियर हुई? तो हाँ जी, पहले मैं इतना लिखवा देता हूँ, लिखो। सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज, वन इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट डिजॉल्व्स इन वॉटर वाइल अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज इट डिजॉल्व्स इन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, ये बात मैंने नहीं बताई, मैंने लेकिन लिख दी। देखो, ये जो सोप के दो एंड है ना, मैंने क्या बताया, ये नेगेटिव वाला एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक, करेक्ट? हाँ जी, दूसरा वाला हाइड्रोफोबिक। तो अच्छा, अगर ये हाइड्रोफिलिक है ना तो ये हाइड्रोकार्बन्स में नहीं डिसॉल्व होगा, इसको मैं ऑयल फिलिक बोल देता हूँ, ऑयल फोबिक। देखो, अगर ये हाइड्रोफिलिक क्यों है, बिकॉज ये पोलर एंड है ना, तो अगर पोलर एंड है, अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया, ऑयल ना नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है, हाँ जी, हाइड्रोकार्बन्स में कोई पोलैरिटी नहीं होती, ओके? मतलब न्यूट्रल होते हैं। नहीं, चार्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नेट तो चार्ज, नेट तो वाटर भी न्यूट्रल ही है। देखो, नहीं तो ये पोलैरिटी नहीं होती, उसका मतलब क्या होगा? चार्जेस की सेपरेशन नहीं होती, जैसे वाटर में क्या है ना ऐसे। हाँ, O और H पे पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ, चार्ज मतलब होगा। चार्जेस एक दूसरे पोल पे है ना, एक पोल पे एक दूसरे पोल पे, पोलर बोलते हैं ना उसको। हाँ जी, चार्जेस एकदम ऐसा नहीं है कि जीरो, सब पे जीरो जीरो है, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है, हाँ जी, पर पोलर है, ठीक है ना? ओके, नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें चार्ज हो ही ना, ठीक है, जैसे ओके, बेंजीन है ना, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें चार्ज होता ही नहीं है कहीं पे। और ऐसे ऑयल्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, दीज आर नॉन पोलर, ओके? तो अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर एंड को तो डिसॉल्व करेगा ही ना, हाँ जी, तो जो हाइड्रोफोबिक है वो ऑयल फिलिक है, ये बात समझ में आ ओके, गई? हाँ जी, और जो हाइड्रोफिलिक है वो ऑयल फोबिक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ, तो सोप के दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, पानी में डिसॉल्व होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स में डिसॉल्व हो जाता है, दैट मींस ऑयल फिलिक है वो, ठीक है ना? ठीक है, चलो, दो एंड होते हैं, हमने दोनों की बात कर ली। अगला, सोप
सोप मॉलिक्यूल्स, एट सरफेस ऑफ वाटर, अगर सरफेस पे होंगे तो क्या होगा? व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, द हाइड्रो फोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट बी सॉल्यूबल इन वाटर एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर विद द आयोनिक एंड इन वाटर एंड हाइड्रो कार्बन टेल प्रोट्यूडिंग, प्रोट्यूडिंग मतलब बाहर निकलना, आउट ऑफ वाटर। यहां तक क्लियर ना बात भाई? है ना, जी आयनिक एंड पानी के अंदर चला जाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब जो नॉन पोलर पार्ट है वो बाहर चला जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, इनसाइड वाटर, पानी के अंदर क्या होगा? जब आपने सरफेस पे बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? एट क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब आप एक थ्रेशोल्ड लेवल से, एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा कर दोगे तो द एनायंस, उसको क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को जब एनायंस पानी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन एंड, अच्छा एंड के बाद नहीं बताऊंगा। अब देखो अगर वो अंदर चले गए, अब थोड़ा सोच के देखो, मैं यहां बना देता हूं, अच्छा ऐसे सोच लो ये पूरा वाटर है, ठीक है, ये पूरा स्क्रीन मेरा वाटर है, वो अंदर आ गए पानी के, मैं बना नहीं रहा कुछ, ठीक है, हाँ जस्ट इमेजिन ये पूरा स्क्रीन वाटर ही है। तो अभी अंदर आ गए, दो एंड है इसके, एक हाइड्रोफोबिक है एक हाइड्रोफिलिक है, ये वाला कौन सा एंड है? ये गोल गोल, हाइड्रोफोबिक अरे फिलिक है ये, आपका कर्सर, हाँ छोटा था, हाँ ठीक है, ये जो बिंदु सा है नेगेटिव वाला तो हाइड्रोफिलिक है ना, हाँ हाँ तो ये एक हाइड्रोफिलिक है कर्सर है। हाइड्रोफोबिक है। अब मान लो कि ये ऐसे स्कैटर्ड स्कैट ऐसे अंदर आ गए पानी के, ऐसा होगा नहीं जैसे मैं बना रहा हूं, मैं जस्ट ये पानी के अंदर आ चुके हैं, हाँ जी तो जरा गेस करके बताओ कॉमन सेंस से इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर जो वाटर को पसंद नहीं, अब इसके आसपास पता है कौन है? इसके आसपास वाटर है ना,
हाँ तो देखो सिंपल बात है, जो लोग पानी से डरते हैं ना वो एक साथ हो जाएंगे, यही होगा ना। हाँ जी और जो पानी को पसंद करते हैं वो बोलेंगे नहीं मैं तो पानी के पास जा रहा हूं, यही होगा ना। जो इसका ये गोल गोल सा पार्ट है ये बोलेगा मुझे तो पानी पसंद है मैं तो पानी के पास जा रहा हूं, जो इसकी पूंछ है ये बोलेगी मैं तो पानी से दूर भाग रही हूं, यही होगा ना। हाँ तो क्या होगा फिर बताओ, ये अपना ऐसे एक यूनियन सा बना लेंगे इस तरह से। जैसे गाड़ी के रिम होते हैं। हाँ ऐसी होगा ना, हाँ ये वाला पार्ट तो हाइड्रोफिलिक है ना, ये बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ पानी के पास। और जो फोबिक है वो अंदर को जाएगा फोबिक सेंटर की बोलेगा भाई ओर। कहाँ ले जा रहे हो, वो तो अपना सिमट के बैठा रहेगा ना भाई, मुझे नहीं जाना। तो ये सेंटर की टुवर्ड सेंटर चले जाएंगे क्या जो करेंगे बताओ ना यार, हाइड्रोफोबिक एक पार्ट साथ है। बैठना है इनको, क्या करेंगे बताओ मुझे। छुपना चाहते हैं ना उससे, ये पानी से तो ऐसे भाग जाएंगे अंदर, सब अंदर अपना एक साथ होके बैठ जाएंगे। हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी तो इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन होगी, ये बात क्लियर है। ये तो समझ आ गया। हाँ तो इनसाइड इसको बोलते हैं मिसल, ये जो शेप है ना इसको मिसल बोलते हैं। ओके ये जी राउंड राउंड सी शेप है, इसमें ना बहुत सारा सौ सौ एनायन हो सकते हैं ऐसे। तो मैंने कितने बनाए, ओके मैंने तो 5-7 ही बनाया ना, 10 बनाया, ऐसे 100 हो सकते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल होगा ना, सिलेंड्रिक ये तो होगा नहीं। मैंने तो ये एक सर्कल बना दिया ना, हाँ ये हाँ जी स्फेरिकल होगा, 3 डायमेंशनल होगा ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ओके ये तो 2 डायमेंशनल बनाया ना, मैं 3D बना नहीं सकता ना, हाँ ये बात समझ में आ रही है ना। ओके हाँ जी समझ स्फीयर और सर्कल में जो अंतर होता है, हाँ जी तो स्फेरिकल होगा इस तरह से, इसकी ओरिएंटेशन होगी। तो हम लिखते हैं ऊपर एंड के बाद पुल्ड इन टू द सोल्यूशन एंड, कहाँ चला गया, एग्रीगेट टू फॉर्म स्फेरिकल शेप। विद COO नेगेटिव पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड्स। ठीक है बात, ये हाँ जो जी CO नेगेटिव हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो आउटवर्ड होगा इस फॉर्मेशन के, और ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है स्फीयर है। एंड एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड मिसल, इसको मिसल बोलते हैं। दीज मिसल्स मे कंटेन एज मैनी एज 100 सच आयंस। क्लियर, तो ये मिसल ओके हाँ फॉर्मेशन क्लियर हो गई भाई। जी ओके अब हम देखते हैं कि ये सोप सफाई कैसे करती है। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ मिसल फॉर्मेशन देखा ना, इसकी फॉर्मेशन मतलब अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मेशन देखे ना कैसे बनता है। हाँ जी अब सोप का काम क्या है, सफाई करना ना, हाँ जी तो हम समझते हैं सफाई कैसे करता है ये।
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो दो तरीके से है देखो, एक तो मैं जस्ट एक बार समझा देता हूँ। मान लो ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़े की सरफेस है, और इसके ऊपर मान लो कोई डर्ट चिपका हुआ है, ठीक है, डर्ट, हाँ ये डर्ट है, इसको इसको हम ग्रीस बोल लेते हैं, मान लो ग्रीस है ये डर्ट है ना, इसका हमने नेचर क्या माना है, ऑयली माना है इसका नेचर, ठीक है। मान लो कोई ऑयल या कोई ग्रीसी सब्सटेंस यहाँ पे चिपका हुआ है, ओके, सर, तो इसके बाद आप देखो, अब जो वो सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह से इसको चिपक जाएंगे। ये हम आउटसाइड है, ये हम पानी के अंदर नहीं है, ठीक है, हाँ इस तरह से चिपकेंगे ना, देखो दो एंड थे उसके, ये नेगेटिव वाला एंड था, ये था ओके हाइड्रोफिलिक दिस या कहो कि नॉट ऑयल हाइड्रोफिलिक फोबिक है ना, ऑयल दूसरा वाला क्या था, हाइड्रोफिलिक फोबिक हाइड्रोफोबिक फोबिक और ऑयल फिलिक और ऑयल फिलिक। तो जो ऑयल फिलिक है वो तो ऑयल को चिपकेगा ही ना, है ना, हाँ सरफेस ऑफ क्लोथ पे एक ऑयल का पार्टिकल था जिसको हमने डर्ट बोला, ये डस्ट डर्ट है। तो वो चिपक जाएगा ऐसे, जो डर्ट के सबको पसंद है जो पार्ट, ऑयल फिलिक पार्ट इस पे चिपक जाएगा, क्लियर ना। जी हाँ ध्यान रखना, ये मिसल नहीं है, मिसल तो पानी के अंदर बनता है, वो बात नहीं है ये, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इधर से वाटर फ्लो कराओगे, जब आप वाटर फ्लो करवाते हो तो क्या होगा, पानी ऐसे जाएगा और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, इसको साथ में ले जाएगा इसके इसको साथ में साथ ले जाएगा, साथ ही जब चला जाएगा फिर, समझ में आई बात, सम तो होगी क्लीन सरफेस। पर सर हाँ जी पर हमेशा ऑयली थोड़ी ना होगी ग्रीस तो फिर वो जो फिर वहां सर्फ सोप की जरूरत नहीं है ना, वो ऐसे ही साफ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी इम्प्योर, ये हमने ऑयली नेचर की होती है नॉर्मली, जो डर्ट चिपक जाता है ना कपड़े पे, ऑयली नेचर की सब सब्सटेंसेस। अब धूल मिट्टी हाँ तो ऐसे ही जी साफ हो जाती है, ठीक है, हाँ जी समझ गए। तो ये बात है, अब क्या है कि अगर ये ऑयल, ये तो चलो सरफेस पे था, अगर पानी के अंदर भी होगा तब भी तो यही होगा ना एक्शन। तो यहां देखो, अगर यहां पे मैंने मान लो ऑयल ड्रॉपलेट डाल दिया, तो ऑयल तो यही आएगा ना, अंदर हाँ ही यही आएगा ना ऑयल, पर जो ये वो अलग हाइड्रो, अलग डायरेक्शन में चला जाएगा ना नहीं अलग अलग में नहीं जाएगा, मान लो एक ऑयल का ड्रॉपलेट है सर, अगर पानी के अंदर ऑयल का ड्रॉपलेट है तो यहीं पे आएगा ना ओरिएंटेशन उसके अंदर, इसके नहीं समझ आई वो तो बात, समझ नहीं, वो तो मैं समझ गया। तो फिर यहां सब सभी ऑयल पार्टिकल को बाहर लेके जाने की कोशिश करेंगे, फिर तो थोड़ा थोड़ा पार्टी जाएगा। नहीं, नहीं वैसे नहीं होगा, वो तो सारा ही चला जाएगा, मतलब सारा ही चला जाएगा लेके इसको, तुम जो सोच रहे हो सही बोल रहे हो, वैसा नहीं है, पूरा कर पूरा मिसल ही जाएगा, ठीक है ना। मैं इतनी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिसल की फॉर्मेशन ना, चाहे यहाँ पे अंदर ऑयल हो चाहे ना हो, सेम ही रहती है, ये ठीक बात है समझ में आई। ये तो आ गई हाँ यहाँ पे ऑयल अगर अंदर हो गया तो उसको एडिशनल बोनस हो गया मिसल को, कि यार कोई दोस्त मिल गया अंदर इसके, नहीं तो ऐसे डरे हुए बैठे थे सारे, समझ गए ना, हाँ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट थे ना सारा, जी वो ऑयल के साथ अटैच हो वो ऑयल के गया साथ, ऑयल फिलिक थे तो ऑयल के साथ अटैच हो गए, बोनस मिल गया, जी नहीं मिले बोनस तब भी वो ऐसे ही बैठे हुए थे, इस तरह से है। तो क्लींजिंग एक्शन समझ में आया, हाँ जी हम लिख लेते हैं इसको।
दा ये सोप और डिटर्जेंट एक ही बात होती है? फंक्शन मतलब प्रिंसिपल सेम है, उसमें फर्क है, फॉर्मूला में फर्क है, ठीक है, केमिकल हाँ जी, फॉर्मूला में। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टीरेट आयन इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट एंड हाइड्रो फिलिक पार्ट, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ होगा, ऑयल ड्रॉपलेट के हाँ ऊपर है ना, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, अवे फ्रॉम हाँ, ड्रॉपलेट। प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ ग्रीस ड्रॉपलेट्स लाइक ब्रिस्टल्स, ठीक है, ब्रिस्टल्स की तरह, सिंस द पोलर ग्रुप्स कैन इंटरैक्ट विद बट वाटर द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन्स इज नाउ पुल्ड इन वाटर एंड रिमूव्ड फ्रॉम डर्टी सरफेस। क्लियर हुई ना बातें? हाँ जी,